हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं आपके एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में और 4 के बारे में, ठीक है। बीपीटी मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, अगर आपको वो थ्योरम नहीं आती है तो इस एक्सरसाइज में आपको बहुत पूरे चैप्टर में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है, ठीक है। तो पहले आप बीपीटी जो है उसे ध्यान से कर लीजिए। इन द फिगर, ये फिगर गिवन है आपको, आपको गिवन है LMS पैरेलल टू CB, देख रहे हैं ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल कही गई है और LNS पैरेलल टू CD। प्रूव दैट AM अपॉन AB इक्वल्स टू AN अपॉन AD। अब आप देख रहे हैं कि हम तो ट्रायंगल पे लगाते हैं लेकिन ये हमारे पास क्या है, फोर साइड्स हैं, क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। तो हम ट्रायंगल पे ही लगाएंगे बीपीटी को, नॉट टू वरी अबाउट दैट, हम ट्रायंगल पे ही लगाएंगे। तो सबसे पहले आप ये देखिए गिवन क्या है हमें, गिवन LM इज पैरेलल टू CB एंड LN इज पैरेलल टू CD, ठीक है। LN इज पैरेलल टू CD फ्रॉम फिगर, फिगर से भी हम ये चीज़ बोल सकते हैं, ठीक है। और वैसे आपको स्टेटमेंट में ये चीज़ गिवन भी है। नाउ By using BPT, ठीक है, ऑन ट्राइंगल ABC, हमने ABC जो ये ऊपर ट्राइंगल बन रहा है इसके ऊपर लगाई है, LM इज पैरेलल टू CB, ये चीज़ आपको गिवन, तो लगा दीजिए, आपके पास हो जाएगा AM अपॉन AB इक्वल्स टू AL अपॉन AC। वैसे BPT कहती है कि AM अपॉन MB, लेकिन हम ऑलरेडी ये चीज़ कर चुके हैं कि AM अपॉन AB हम लिख सकते हैं। ये आपकी एक थ्योरम भी एग्जांपल है, आप एग्जांपल से भी इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं, वो डायरेक्टली रिजल्ट है जो हम अप्लाई करते हैं, ओके राइट। दिस इज अ फर्स्ट इक्वेशन, बाय यूजिंग BPT ऑन ट्राइंगल ADC। अब ADC के ऊपर भी हम क्या करेंगे, इसे लगाएंगे, तो यहाँ से है LN इज पैरेलल टू CD की, जो LN है वो पैरेलल है CD के, तो ये आपके पास हो जाएगा AN अपॉन AD इक्वल्स टू AL अपॉन AC, राइट। दिस वन इज अ सेकेंड इक्वेशन। अब देखिए यहाँ भी AL अपॉन AC, यहाँ भी AL अपॉन AC। नाउ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है, तो जो AL अपॉन AC है दैट इज इक्वल्स टू AN अपॉन AD विच इज इक्वल्स टू AM अपॉन AB, ठीक है। और यही आपको क्या करना था, प्रूफ, ये आपको क्या करना था, प्रूफ। तो आप अलग से एंड में यहाँ पे लिख दीजिएगा AN अपॉन AD इज इक्वल्स टू AM अपॉन AB, हैंस प्रूफ, ये आपने लास्ट में लिखना है, ठीक है। तो इस तरीके से इस थ्योरम को हमने प्रूव किया, अलग अलग दो ट्रायंगल लिए, कंसीडर किए और वहाँ पर रिजल्ट लगाया। नाउ लेट अस टॉक अबाउट योर क्वेश्चन नंबर 4, ओके। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, अब उसके बारे में बात करते हैं, तो चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। इन द फिगर 6.19, ये फिगर आपको गिवन है, आपको दिया हुआ है DE इज पैरेलल टू AC। तो मैं एक काम करती हूँ, पहले ना अलग से एक ट्रायंगल बना लेती हूँ ABC, ताकि मेरे लिए कोई कन्फ्यूजन ना रहे। मुझे बोला गया है DE, ये आपका D पॉइंट है और ये आपका, सॉरी ये तो F है, ये आपका E पॉइंट है। बोला है ये जो DE है ये AC के पैरेलल है, ओके। एक और ट्रायंगल ड्रॉ कर लेती हूँ ABC। अब बात की गई है DF की, ये है D और ये है F। जो DF है वो AE के पैरेलल है और AE जो है मेरा वो कुछ ऐसे है, ठीक है। मैंने दो अलग अलग से क्या कर लिए, ट्रायंगल ड्रॉ कर लिए हैं यहाँ पर, ओके। नाउ लेट अस टॉक अबाउट दिस सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं। पहले जो ये ट्रायंगल है इसे कंसीडर कर लेते हैं, ओके। DE इज पैरेलल टू AC, दैट इज गिवन टू यू, ये आपको गिवन है इन ट्रायंगल ABC, हमने ABC लिया, तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, BD अपॉन AD इक्वल्स टू BE अपॉन EC, BD अपॉन AD इक्वल्स टू BE अपॉन AC। यही करते हैं हम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम में, अगर लाइन पैरेलल गिवन है तो हम ये थ्योरम लगा सकते हैं। आप यहाँ पे लिख दीजिएगा बाय BPT, बिकॉज अगर लाइन पैरेलल होती हैं तो ये हमारे पास इसके
कॉरेस्पॉन्डिंग और ये हमारे पास इसके कॉरेस्पॉन्डिंग, ठीक है। उसके बाद इस फिगर की बात करते हैं, इन ये आपका ए पॉइंट है, सॉरी ट्रायंगल मैंने ले लिया ए बी ई, तो जो डी एफ है वो ए ई के पैरेलल है, ओके। डी एफ इज पैरेलल टू ए ई गिवन टू यू, तो यहाँ पर भी मैं बी पी टी का इस्तेमाल कर सकती हूँ, तो ये हो जाएगा आपका बी डी अपॉन ए डी इक्वल्स टू बी एफ अपॉन एफ ई, और यहाँ लिख दीजिएगा बाय बी पी टी, यही हो जाएगा बी डी अपॉन डी ए इक्वल्स टू बी एफ अपॉन एफ ई। अब देखिए यहाँ पर है हमारे पास, एक सेकेंड, बी डी अपॉन ए डी, यहाँ ए डी है, तो बी डी अपॉन ए डी, बी डी अपॉन ए डी, राइट दिस इज अ फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। तो दोनों को इक्वेट कर सकती हूँ, सेम टर्म है फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, बी डी अपॉन ए डी इक्वल्स टू बी ई अपॉन ई सी, और ये टर्म हो जाएगी इक्वल्स टू बी एफ अपॉन एफ ई, तीनों आपस में इक्वल हो जाएंगे, ए इक्वल है बी के, ए इक्वल है सी के, तो बी और सी आपस में इक्वल होंगे ना, तो ये हमारे पास इक्वल आ गए यहाँ से, तो आप यहाँ लिख सकते हैं बी ई अपॉन ई सी इक्वल्स टू बी एफ अपॉन एफ ई, और यही आपको क्या करना था, प्रूव, ठीक है। तो आप यहाँ लास्ट में लिख दीजिएगा हैंस प्रूव, कि हम ये चीज़ प्रूव कर चुके हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को प्रॉपरली सॉल्व करना है। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल टॉक अबाउट योर नेक्स्ट क्वेश्चन, थैंक यू सो मच।